जीवन में रस पैदा करें। आज समस्या ये है कि सब बिजी इतने हो गए हैं, इजी रहना हमने छोड़ दिया है, जबकि बिजी शब्द के अंदर ही इजी शब्द छुपा है। बी को हटा दो तो बाकी सब इजी है। जीवन में यदि हम वो रस पैदा करें, वो प्रेम पैदा करें, वो कुछ ना कुछ हॉबी पैदा करें, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी पैदा करें, तो जीवन में हमारे पास व्यर्थ के लिए समय ही ना बचेगा। और जब व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे तो सब कुछ समर्थ ही समर्थ हो। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको भोजन में रस आता था। आप अपनी खुशी किसी भी चीज में ढूंढ सकते हैं, उनको भोजन का रस था। तो जब भी वो भोजन किया करते थे तो कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी उसमें जरूर करते थे कि आज तुमने नमक ज्यादा कर दिया, आज मिर्ची ज्यादा कर दी, आज रोटी कम पकाई कच्ची रह गई, या आज सब्जी कम कच्ची रह गई। तो हर वक्त कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी जरूर किया करते थे। और उनकी जो धर्म पत्नी थी, एक दिन उन्हें बोलती है कि आप इतने बड़े गुरु, इतने बड़े स्वामी, आपका आशीर्वाद पाकर नरेंद्र जैसे बच्चे स्वामी विवेकानंद बन गए, और आप कहां इन भोजन की टिप्पणी में ही लगे रहते हो कि आज नमक कम है और आज मिर्ची ज्यादा है। तो रामकृष्ण परमहंस उस वक्त तो कुछ नहीं बोले। रात के समय जब विश्राम के लिए जा रहे थे तो अपनी धर्म पत्नी से बोले कि भोजन में मेरा रस है, मेरे इस पृथ्वी पर रहने का एकमात्र कारण ही मेरा भोजन का रस है, और जिस दिन मुझे भोजन में रस आना समाप्त हो जाए तो समझ लेना उसके एक हफ्ते में मेरा जाने का समय आ गया होगा। उसके एक हफ्ते में मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया होगा, तो ये समझ लेना जिस दिन मुझे भोजन में रस आना समाप्त हो जाए। एक दिन उन्होंने भोजन किया, उनको भोजन कराने के बाद उनकी धर्मपत्नी ने भोजन किया और पाया कि भोजन में आज नमक ही नहीं था, पर रामकृष्ण परमहंस जी ने कोई उस दिन टीका टिप्पणी नहीं करी। अब उनकी धर्मपत्नी समझ गई कि आज इन्हें भोजन में रस आना समाप्त हो गया, तो इसका मतलब इनका इस पृथ्वी से जाने का समय नजदीक आ गया। उसी समय उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को तार देकर बुलवाया कि परिस्थिति गंभीर है, आप जल्दी आ जाएं। और उसके छठे दिन उन्होंने इस पृथ्वी से अपना शरीर छोड़कर चले गए। ये है जीवन का रस। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमें किसी भी चीज का रस हो, परमात्मा के संग का रस हो। हाँ, ताली तो जोर से बजाए, मुझ तक आवाज तो आए। ये है जीवन का रस। किसी को भक्ति का रस लग जाता है तो मीरा बन जाती है। पश्चिम के लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहां ये कैसी कहानी है कि किसी ने जहर पी लिया और वो बच जाए, ये कैसी कहानी है, ऐसी वास्तविकता कैसी हो सकती है। यदि वो जहर भी कृष्ण के नाम पे पिया जाए, वो श्रद्धा, वो विश्वास कृष्ण जैसा हो, तो दुनिया के हर विष को अमृत बनना पड़ेगा, दुनिया की हर केमिस्ट्री को बदलना पड़ेगा। यदि वो विश्वास कृष्ण में हो, अपने परमात्मा में हो, यदि वो श्रद्धा और भक्ति मीरा जैसी हो, तो दुनिया के हर विष को अमृत बनना पड़ेगा, दुनिया की हर केमिस्ट्री को बदलना पड़ेगा। ये है हमारे जीवन में रस, परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा की शक्ति का, आत्मा का शक्ति। हम स्वयं के अंदर वो शक्ति जगाएं, परमात्मा के ऊपर विश्वास जगाएं। एक बार एक व्यक्ति पहाड़ी से गिर रहा होता है, रात का समय होता है, उसने ये निश्चय किया होता है कि आज मुझे इस पहाड़ी पर पहुंचना ही पहुंचना है, टॉप पे। अंधेरा हो जाता है, फिर भी चढ़ता चला जाता है तो पांव फिसलता है, गिरता है, बहुत नीचे गिरता 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 उसके हाथ में एक टहनी आ जाती है। कि गिरते गिरते जब उसके मन में ये विचार आता है कि आज तो मैं मरूंगा, और कहता है कि हे भगवान मुझे बचा लो, और एक टहनी हाथ में आ जाती है, उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है। टहनी को पकड़ के सोचता है कि इतनी ऊंचाई से गिरा हूं और पता नहीं कितनी ऊंचाई तक मुझे गिरना होगा कि भगवान आज मुझे बचा ले। कभी भविष्यवाणी होती है कि तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, भगवान मुझे बचा लो आज, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं बचा सकता हूं, भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है।
हाँ भगवान, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे बचा सकते हैं, तो अगली आकाशवाणी होती तो फिर इस टहनी को छोड़ दो, इस टहनी को छोड़ दो। अब वो व्यक्ति सोचता है कि इतनी ऊंचाई से गिरा, न जाने कितना नीचे और गिरना होगा, मुश्किल से टहनी हाथ में आई है, यदि इसको भी छोड़ दो तो मेरी मृत्यु आज निश्चित है। अब ये पता नहीं आवाज क्या है, मेरे मन का भ्रम ना हो तो मैं इस टहनी को नहीं छोड़ता हूं, नहीं छोड़ता। सर्दियों की रात उस टहनी को पकड़े पकड़े नींद आ जाती है और सुबह ठंड के मारे ठिठुर जाता है और मर जाता है। सुबह गांव वाले देखते हैं तो जमीन से 8 फुट ऊंची एक पेड़ की टहनी पर वो व्यक्ति मरा हुआ है। ये है परमात्मा पे विश्वास, यदि आवाज हो कि पहाड़ी से कूद जा तो दो ही तो काम होंगे, या तो वो अपनी गोद में बुला लेगा या उड़ना सिखा देगा, तो कूदना है तो कूद जाए। यह है मीरा की पत्ति, यह है विश्व को अमृत होने की प्रवृत्ति, क्योंकि हम अपने संबंधियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ या समाज वालों के साथ रोजाना इतने बिजी रहते हैं, इजी रहना छोड़ देते हैं और इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, यही आवाज आती रहती है। तो मन को अंदर से खाली करना होगा, यदि हमें खुशियों का उपहार चाहिए तो मन को अंदर से खाली करना होगा। एक बार जैसे ये बच्चे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने दादाजी के साथ फुटबॉल का मैच देखने जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा पहली बार मैच देख रहा होता है तो उसे अभ्यास नहीं होता कि फुटबॉल क्या होता है, कैसे खेला जाता है। वो देखता है कि इधर से आता है तो फुटबॉल में लात मार देता है, इधर से आता है तो व्यक्ति फुटबॉल में लात मार देता है। फुटबॉल का मैच तो ऐसे ही होता है, हर कोई उसमें किक मार रहा है। तो बच्चा पूछता है अपने दादाजी से, दादाजी इस बॉल में सभी लोग लात क्यों मारे जा रहे हैं। अब देखिए बुजुर्गों का समझाने का तरीका, दादाजी कहते हैं क्योंकि ये बॉल अंदर से खाली है इसीलिए इसमें सभी लात मारे जा रहे हैं, यदि अंदर से भरी होती तो मजाल है इसमें कोई लात मार जाता। पहुंचा पाया मेरी बात? अंदर से हमें भरना होगा परमात्मा के संग के रंग के साथ, और जो अभी तक भरा है उससे खाली करना होगा। आज इन बच्चों को आप सिखाते होंगे घरों में कि बच्चे याद करना सीखो। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, ये बार बार भूल जाते हैं। हम इन्हें सिखाते हैं कि बच्चे याद करना सीखो, याद रखो बातों को। आज जब आप बड़े हो गए तो मैं कह रहा हूं भूलना सीखो, जो भी अंदर अभी तक भरा है उसे भूलना सीखे और परमात्मा की याद से उसे भरे, आत्मशक्ति से उसे भरे, परमात्म शक्ति से उसे भरे। गलत फहमी की धूल हमने उन बातों पे चढ़ा रखी है जो मन के कोने कोने में जमा है, परत पर परत चढ़ा रखी है उनके ऊपर, उसे कभी मन के कोने कोने में जाकर साफ कर ले। अभी होली दिवाली में आप सभी ने घर की सफाई की होगी, तो कभी मन के कोने में, मकान की सफाई तो बहुत कर ली, मन के कोने की सफाई भी कर ले, कभी अंतर मन में भी झांक कर देख ले, है ना। हमने रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच, मन मटाव, कड़वाहट आती रहती है, तो आप सभी घर में दही तो जमा लेते हैं। फर्ज करें एक दिन आपकी दही कुछ खट्टी हो गई और उस खट्टी दही का जामन या खट्टा आपने दही में लगा दिया, तो फिर अगले दिन की दही भी खट्टी हो जाती है। उसी जामन को, खट्टे को यूज करोगे तो फिर अगले दिन की भी दही खट्टी 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 होती चली जाएगी। यही खटास हमने मन में जब भी रख ली तो हमारे रिश्तों में भी खटास आती रहेगी। तो जब तक हम उस दही के जामन को बदलेंगे नहीं, फ्रेश दही का खट्टा लगाएंगे नहीं, तो दही अगली बनेगी नहीं सही। तो इसी तरीके से यदि हम जब तक अपने विचारों में परिवर्तन करेंगे नहीं, उन्हीं कड़वाहट के साथ, उन्हीं गलत फहमी की परतों के साथ आगे रिश्ते बनाते रहेंगे, तो इन खुशियों का उपहार कभी ले नहीं पाएंगे। फिर हम हमेशा मन मुटाव में ही लगे रहेंगे कि इसने मुझे ऐसा कह दिया और उसने मुझे वैसा कह दिया। परिस्थितियां तो आती रहेंगी, पराई हैं, परिस्थितियां तो पराई हैं, हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। हमारी अपनी स्थिति हमारे नियंत्रण में हो, हमारी अपनी स्थिति हमारे नियंत्रण में हो, तो हम कह सकते हैं कि हम सदा खुश रह सकते हैं।
ये खुशी किसी के कहने से थोड़ी आएगी, ये हमारा अपना डिसीजन है। रोजाना आप सुबह रोजाना अपनी वार्डरोब से, अपनी अलमीरा से अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करते हैं कि आज मुझे क्या पहनना है। रोजाना हम सिलेक्ट करते हैं कि आज मुझे क्या पहनना है। तो रोजाना जब हम अपने लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करते हैं तो क्यों ना उस समय मन के लिए भी एक विचार सिलेक्ट कर लें, एक सद्गुण मन के लिए भी उठा लें कि आज मुझे इस स्मृति में रहना है, आज मुझे इस सम्मान में रहना है, आज मुझे इस ईश्वरीय नशे में रहना है, आज मेरी आत्मा को ये गुण अपनाना है। ड्रेस तो हम रोज सिलेक्ट करते हैं ना, लिस्ट लगा लो एक अलमारी में वहीं पे ही, अपने लिए उस दिन के लिए ड्रेस सिलेक्ट करी कि आज मुझे व्हाइट पहनना है, कलर पहनना है, क्या पहनना है, कुर्ता पजामा पहनना है, पैंट शर्ट पहननी है। उसी समय एक स्लोगन, एक सद्गुण, एक सम्मान अपने लिए उठा लें, अपनी आत्मा के लिए उठा लें कि आज मुझे शांति में रहना है, आज मुझे प्रेम में रहना है। 7 गुण हैं आत्मा के, 8 शक्तियां हैं, किसी को भी उठा लें, उस स्वरूप में बने रहें सुबह से शाम तक, और फिर देखें कि हमने अपनी बैलेंस शीट में आज क्या क्रेडिट किया है और आज क्या डेबिट किया है। फिर देखें कि अपनी बैलेंस शीट में आज प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यदि साल भर का इंतजार करेंगे बैलेंस शीट को चेक करने का तो फिर साल के बाद सरप्राइज मिलेंगे। क्यों चेक करते हैं हम बिजनेस वर्ल्ड क्वार्टर? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हर क्वार्टर में, हर तिमाही में अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करती है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तुम्हारे पीयूष भाई भी आ रहे हैं तो पीयूष भाई का हम स्वागत करते हैं। निखिल भाई का है तो मैं कहता हूं आप भी स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ में। स्वागत सत्कार हमारे परम आदरणीय एक महान वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, जन जन तक भगवान शिव का दिव्य संदेश देने वाले, सबके जीवन से उलझनों को समाप्त करने वाली ऐसी महान शख्सियत भ्राता पीयूष भाई जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं इस पावन धरा पर। महान विभूतियों का स्वागत सत्कार चलता रहेगा, कुछ ही पलों में हमारे परम आदरणीय भ्राता भानु जी भी पधारने वाले हैं, हमारी आदरणीय दीदियां पधारने वाली हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार मैं चाहूंगा भ्राता जी का स्वागत सत्कार करेंगे। परम आदरणीय माउंट आबू से, मुख्यालय से, राजयोगी तपस्वी सुरीले फनकार, अथक योगी सेवाधारी हमारे परम आदरणीय भ्राता भानु जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसी महान शख्सियत जहां पहुंचती है खुशियों का उपहार लेकर आती है, शांति की बहार लेकर आती है, खुशियों का संसार लेकर आती है। जो भगवान की भूमि माउंट आबू से पधारे हैं, ऐसी महान शख्सियत का बारंबार सत्कार है, स्वागत है। हमारे परम आदरणीय अजमेर से पधारी हुई हमारी मोटिवेशनल स्पीकर हमारी रूपा दीदी जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत सत्कार है। ऐसी महान गंगाएं जो जन जन तक शांति, सुख, आनंद, प्रेम का दिव्य संदेश दे रही है, ऐसी महान शक्तियों का बारंबार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे हम। स्वागत की घड़ियां, मंगल मिलन की ये बेला, बारंबार स्वागत सत्कार है। स्वागत की घड़ियों के बीच ही हमारे परम आदरणीय मंच की शोभा, देवदूत साक्षात फरिश्तों के रूप मंच पर विराजमान है हमारी परम आदरणीय दीदियां, हमारे राजयोगी भाई। स्वागत की घड़ियों के बीच एक ऐसी शख्सियत का आगमन हो रहा है हमारे मंच की ओर, जिन्होंने ये खूबसूरत बगिया सजाई है, जिन्होंने इन फूलों की महक बढ़ाई है, ऐसी महान
शक्तियां, साक्षात शक्ति का रूप शिव की शक्तियां पधार चुकी हैं हमारे बीच में। हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी सुदेश दीदी जी, हम सभी के बीच जोरदार तालियों के साथ स्वागत सत्कार। इस बगिया की बागवान है आप, खुशियों की बहार है। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय सुदेश दीदी जी का भी स्वागत सत्कार, हमारे परम आदरणीय राजयोगी पीयूष भाई जी का स्वागत सत्कार, हमारे परम आदरणीय राजयोगी सुरीले फनकार माउंट आबू से पधारे भानु भ्राता जी का स्वागत सत्कार, हमारे परम आदरणीय भ्राता नवीन जी का स्वागत सत्कार, मंगल बेला, खुशियों की मंगल बेला, एक नए युग की मंगल बेला, प्रभु के आगमन की ये मंगल बेला है। हमारे परम आदरणीय अजमेर से पधारी हुई रूपा दीदी जी का स्वागत सत्कार, तालियों के साथ में अतिथियों का स्वागत सत्कार चलता रहेगा। हमारे परम आदरणीय राजयोगिनी राजस्थान की देवनगरी से पधारी, दौसा से पधारे हमारे शीतल दीदी जी का स्वागत सत्कार है। हमारे परम आदरणीय अंकिता दीदी, राधिका दीदी जी, स्वागत सत्कार की ये घड़ियां। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, सजे है द्वार, है कलिया सजे है द्वार, इंतजार साजिश करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका, साजिश करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल
कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, हाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। सभी तालियों से हाँ, हो, 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 हो। आठ जन्म मैंने सतयुग में लिए, आठ जन्म मैंने सतयुग में लिए, सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, सोने की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। आ सब तालियों से हाथ लगा गया, अभी आइए झूम लिए इस प्रोग्राम के अंदर बाबा की यादों में। बारह जन्म मैंने त्रेता में लिए, बारह जन्म मैंने त्रेता में लिए, चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, चांदी की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। सब तालियों के साथ हाथ उठा के संगीत के साथ, आत्मा बन गई, आत्मा समझ के डांस करना। आहा, इक्कीस जन्म मैंने द्वापर में लिए, इक्कीस जन्म मैंने द्वापर में लिए, तांबे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, तांबे की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे, कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी ज्योति बिंदु आत्मा। पापा जी रवि करी सुनोगे हम तुझे, बड़ी प्यारी जी गल है, सुनो सुनो, बड़ी मिट्टी गली है। तालियों के साथ आत्मा, क्या बात है, आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आहा हा, क्या बात, क्या बात। एक जन्म मैंने संगम पर लिया, एक जन्म मैंने संगम पर लिया,
लड़की बन गई रे मेरी छोटी बिंदु आत्मा, हीरे की बन गई रे मेरी छोटी बिंदु आत्मा, बाबा की बन गई रे मेरी छोटी बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी छोटी बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे कमाल कर गई रे, बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे बाबा की बन गई रे मेरी छोटी बिंदु आत्मा, कमाल कर गई रे मेरी छोटी बिंदु आत्मा, कमाल 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 कर गई रे बाप, क्या बाप, क्या बात, जोरदार तालियों के साथ कमाल कर गई। शिव बाबा को याद कर, जी भर उनको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, आया है लेके झूमती बहारे, रिम झिम बरसती की फुहारे, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना, तो इंतजार कर बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना, शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए, सूली को कांटा कर दे कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे राई को रूई, दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आबाद कर ले मेरे मना, शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जोरदार तालियों के साथ में एक और
हमारे परम आदरणीय रमेश भाई साहब के लिए जोरदार तालियां, जोश के साथ में आज का माहौल गर्म करेंगे हम। माहौल गर्म है अलग बात है, लेकिन जोश जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए हमारा जोश इस बात का, क्योंकि खुशियों का उपहार। रमेश भाई साहब कौन सा गीत सुनाने वाले हैं? सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, वाह वाह वाह, खजाना खुशी का लुटाते रहो। क्या बात, मौसम ही खुशियों का है आज का। तो क्या लेके आए हो खजाना भरने के लिए? कुछ थैला वेला लाए क्या? माता है हमारी, थैला लाए हो बड़ा? ठीक है चलो। हेलो, हाँ थोड़ा म्यूजिक हो। सब तालियों से हल्के हल्के, हाँ सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। शांति हो मन में और मुख पे हो मुस्कान, शांति हो मन में और मुख पे हो मुस्कान, याद करो बाबा को दिन रात सुबह शाम, याद करो बाबा को दिन रात सुबह शाम। बाबा ही बाबा मेरे दिल की धन में, बाबा बिना चैन कहाँ हर पल ये जीवन में, बाबा ही बाबा मेरे दिल की हर धड़कन में, बाबा बिना चैन कहाँ हर पल ये जीवन में, चांद पे जाने वालों चल के देखो परम धाम, चल के देखो परम धाम, याद करो बाबा को दिन रात सुबह शाम, याद करो बाबा को दिन रात सुबह शाम। तुमसे ही सारा संसार चलता शिव बाबा, तुमसे ही मेरा परिवार चलता, तुमसे ही मेरा परिवार चलता जो शिव बाबा, शिव बाबा तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तालियों का साथ, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, याद जमीन में समाई, भेदभाव के
झूठे भरम से ये मानव भरवाया। धर्म ध्वजा धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।